हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है बात आपकी करने के लिए, कैसा रहने वाला है आपका दिन और क्या करें क्या ना करें। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तारा मल्होत्रा जी, उनका भी रुख करेंगे और अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सीधा मिलते हैं आज की हमारी गेस्ट और टैरो कार्ड एक्सपर्ट तारा मल्होत्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका तारा जी। चलिए तारा जी के पास लौटेंगे और उनसे आज के सुविचार के साथ ही पूछेंगे कि 1 से 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस कार्यक्रम में आप सीधा जुड़ सकते हैं फोन लाइंस के जरिए हमसे। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, जरूर कॉल करें और सीधा पूछें टैरो कार्ड एक्सपर्ट तारा मल्होत्रा जी से। कोई भी सवाल आपके जहन में हो, किसी भी समस्या का निदान आप चाहते हो, किसी तरह की पूजा पाठ को लेकर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, जरूर आप इस कार्यक्रम में जुड़कर उस प्रश्न का हल, उस प्रश्न का समाधान जरूर आपको मिल सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में टैरो कार्ड्स के जरिए हमारी एक्सपर्ट बताती हैं कि 1 से 9 नंबर वालों के लिए, यानी ये जो नंबर होते हैं ये हमारे बर्थडे की कैलकुलेशन से निकलते हैं कि अगर आपका बर्थडे 1 तारीख को है तो आपका नंबर 1 है, अगर आपका बर्थडे 22 तारीख को है तो 2+2 = 4, तो आपका जो नंबर है वो 4 है। तो इस तरीके से ही नंबरिंग निकलती है और उन्हीं नंबर को लेकर जो हमारी एक्सपर्ट है वो टैरो कार्ड्स के जरिए आपको बताती हैं कि आज 1 नंबर से लेकर 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिन और क्या सावधानियां आप बरतें और किस तरीके की पूजा पाठ आपके लिए जरूरी है, क्या करें क्या ना करें, क्या आपका लकी नंबर है, क्या आपका लकी कलर है। इन सभी विषयों पर अपने इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि आपको आज क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कार्यक्रम में फोन लाइंस के जरिए आप भी अपने जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे तारा मल्होत्रा जी का, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका तारा जी। तारा जी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नंदिनी जी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत जैसे कि करते हैं थॉट ऑफ द डे के साथ, तो जरूर प्लीज बताएं आज का क्या है सुविचार। आज का सुविचार यही है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि भगवान ने हम सबको पूरी शक्ति दी है, बुद्धि दी है और पूरी हमें बरकत दी है। तो हमें अब कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएं और अगर कोई मुश्किलें आए भी तो हम उनका डट के सामना कर पाएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ख्याल ये और वाकई बहुत मोटिवेशन देने वाला ये थॉट आपने बताया। चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले 1 नंबर वालों की। 1 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन प्लीज बताएं। 1 नंबर वालों के लिए आज का दिन काम को लेके काफी अच्छा रहेगा, काम में काफी इनको फायदा मिलेगा, पैसों का मुनाफा होने का दिन है। तो आज जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी काम करेंगे, काफी मुनाफा है, फायदा होगा। अगर प्रमोशन की वेट कर रहे हैं या कहीं से पैसे आने की वेट कर रहे हैं तो आज का दिन काफी लाभ देगा आपको। तो आज का दिन काफी शुभ है आपके लिए। रिश्तों में भी आपकी तरफ जो है सबका ध्यान है, आपका ध्यान रख रहे हैं आसपास के लोग और आप भी इस बात का बैलेंस बनाकर चल रहे हैं कि आपको किसी को परेशान नहीं करना। और कहीं ना कहीं पे जो चीजें आप सर्च कर रहे थे, जो चीजें आप ढूंढ रहे थे रिश्तों में, काम में, कारोबार में, आज दिन आपका ही है और चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है एनर्जीज की और स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी आज दिन है। तो अगर कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान करना चाहते हैं तो आज बुधवार है,
चारा खिला सकते हैं, गाय को पशु पक्षियों को चारा खिला सकते हैं, तो काफी शुभ रहेगा। हेल्थ भी आज काफी पॉजिटिव है, तो आज का लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। चलिए बिल्कुल, लकी कलर रेड और लकी नंबर 3। इसी के साथ बात तो 2 नंबर वालों की करेंगे, 2 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? 2 नंबर वालों के पास आज काम का थोड़ा सा ओवरबर्डन रहेगा, जहां पे उनके पास काफी काम है, जहां पे हो सकता है पीछे उनको अपॉर्चुनिटीज की कमी पड़ रही थी, चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही थी, वही आज काम तो बहुत है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिख रहा है, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा परेशानी दिख रही है, बर्डन में दिख रहे हैं, तो ये सही समय है कि आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प लें, काम में थोड़ा सा काम बांट दे, बिजनेस को लेके कहीं ना कहीं से न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट साथ ही साथ आपको उनको मैनेज करना जरूरी है। आज काफी सारी चीजें आपके रास्ते काफी खुलेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का दिन काफी शुभ रहेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को बर्डन नहीं करना। रिश्तों में काफी ज्यादा आपके तनाव दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दिमाग से चीज रिश्तों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्तों में तनाव है, आपको थोड़ा बैलेंस करना है। लकी कलर आज आपका है येलो और लकी नंबर है 1। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे 3 नंबर वालों की, 3 नंबर वालों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगी तारा जी? 3 नंबर वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, प्रमोशन का, जॉब का, सक्सेस का, अचीवमेंट का दिन है, तो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पैसे देना चाहते हैं अपने, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आज काफी अच्छे दिन है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े लोग, जो कि सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज काफी फायदा होगा। पुलिसमैन, नौकरी करने वाले लोग, या फिर जो लोग लॉयर या जज हैं, तो उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज उनकी जो बात है उस पर काफी ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी, जो भी वो बात करेंगे आज, हो सकता है कि जिसने कहीं इंटरव्यू दिया है उसका भी कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो आज काम को लेके, व्यवसाय को लेके कार्ड्स काफी अच्छे हैं। रिश्तों में कहीं ना कहीं लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव बना हुआ है, तो घर पे थोड़ी सी टेंशन बन सकती है। हेल्थ काफी सपोर्टिव है, हेल्थ आपके जो है आपका साथ दे रही है। आज का लकी नंबर है आपका 6 और लकी कलर है येलो। जी चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हुए अब बात 4 नंबर वालों की कर लेते हैं, 4 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड? जरूर देखते हैं 4 नंबर वालों के लिए आज जो कार्ड्स हैं वो काफी उनके लिए काम से जुड़े काफी अच्छे कार्ड्स हैं। काम में उनके बॉस काफी उनसे खुश रहेंगे, उनकी बात आज सुनी जाएगी, तो अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं, बिजनेस में भी लोग अगर अपने प्रस्ताव को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज काफी अच्छा दिन है। खर्चे से आज आपको बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे खर्चा ज्यादा होते हुए दिख रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, तो खर्चा बहुत सोच समझ के करना है और सोचना है कि ये चीज करने की जरूरत है या नहीं। जो लोग खुद का काम करते हैं वहां पे थोड़ा सा तनाव हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी दिख रही है कहीं ना कहीं पे, जैसे कि मैंने बोला खर्चे दिख रहे हैं, तो वो चीज काफी है। बट अगर कोई जॉब पे है या प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आज आपका दिन काफी शुभ है। रिश्ते बैलेंस्ड हैं, रिश्तों में आपने काफी बैलेंस करके रखा है, जो पीछे कुछ तनाव चल रहा था तो आज आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। आपके घर के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स काफी सपोर्टिव रहेंगे। हेल्थ में थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, हो सकता है पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं आज आपको हो सकती हैं, तो आज हेल्थ की तरफ खास तौर से ध्यान दें। आज का लकी कलर है आपका ग्रीन और लकी नंबर है 8। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं तारा जी। जींस से हमारे साथ रेनू सांगवान जी जुड़ी हैं। रेनू जी बहुत बहुत स्वागत आपका, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी मिल रही है जी। जी जी रेनू जी अपना सवाल कर सकती हैं आप। हाँ जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसका नाम है आकाश जी और ट्रांसपोर्ट में वो काम करता है, और उसने 2 लव मैरिज करी, दोनों लव मैरिज उसकी नहीं रुकी, अब तीसरी शादी का योग उसका कब तक है, उस पे कौन से ग्रह भारी है, और दूसरा उसका बाहर जाने का योग है या नहीं? मेहनत तो बहुत करता है मगर कोई फल नहीं मिलता बेचारे को, ना शादी का ना वो करना काम काम काज का, तो मुझे बताइए इसकी शादी के योग और बाहर जाने के योग है या नहीं है, और शादी कब तक हो जाएगी इसकी?
जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। इसका जन्म तारीख है 17 जून 1982, टाइम रात के 9:30 बजे, दिल्ली का जन्म। देखिए अगर आप देखेंगे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं और जो इनकी डेट है, 8 नंबर आ रहा है कहीं ना कहीं पे, जो एनर्जी है इनकी 8 नंबर की एनर्जी है, तो वो ये बता रही है कि मुश्किलें इनकी लाइफ में थोड़ी सी बनी रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा हिम्मत ही बना के रखना है। शादी का योग इनका 2021 में बन रहा है और बाहर जाने के लिए अभी थोड़ा और समय लग सकता है, बट कहीं ना कहीं इनको थोड़े से उपाय करने की जरूरत है। शादी से जुड़े उपाय इनके करें, जो भी इनकी है, फ्राइडे के दिन श्री जो इनको है, फ्राइडे के दिन को बोले कि मंदिर जाएं और अगरबत्ती लगा के आए, और साथ ही साथ अपने मैरिज के लिए पूजा करके आए, एक पीला कपड़ा ले सकते हैं 1 मीटर का, और 4 गेंदे के फूल ले, चारों कोनों में बांध के उसको थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन मंदिर में देके आए। ये साथ गुरुवार करें तो इनकी जो मैरिज में बार बार ऑब्स्टिकल्स आती हैं उससे इनको काफी राहत मिलेगी, और बाहर जाने का योग अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, अभी नहीं दिख रहा है। चलिए बिल्कुल तारा जी, उम्मीद है कि कॉलर को जो भी आपने बताया जरूर वो ये सोल्यूशन करेंगे और उस चीज का समाधान जरूर होगा जो भी उनकी समस्या है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, प्लीज बताएं। 5 नंबर वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, काम को लेके काफी इम्पोर्टेंट डिसीजन आज लेंगे, आज काफी निर्णयकारी इनका दिन है, और जो भी डिसीजन लेंगे आज इनके लिए बहुत फेवरेबल लेंगे, तो आज ये 5 नंबर वाले थोड़ा सा दिल और दिमाग में डगमगाते हैं कभी कभी, पर आज ये काफी बैलेंस्ड है, आज ये काफी माइंड से सोच रहे हैं, और जब ये दिमाग से सोच के निर्णय ले रहे हैं तो आज का दिन इनके लिए काफी लाभदायक है और काफी शुभ रहेगा इनके लिए। आज ही नई डायरेक्शन में एक शुरुआत भी कर सकते हैं जो इनको काफी फायदा देगी, तो आज का दिन काम को लेके इनको प्रायोरिटाइज करना है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं या जो जो निर्णय ये लेना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से ये ले सकते हैं, और उसका लाभ भी इनको बहुत मिलेगा। जहां तक रिश्तों की बात है, आज शादी से जुड़े सारे काम इनके बन सकते हैं, अगर रिश्तों में कोई तनाव है तो आज ये किसी बड़े की मदद से, किसी थर्ड पर्सन की मदद से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आज का दिन रिश्तों में भी आज इनको काफी सेटिस्फेक्शन देके जाएगा। और जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ भी काफी बैलेंस्ड है, तो आज इनका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। चलिए बिल्कुल तारा जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए किस्मत कनेक्शन में हमारे साथ। किस्मत कनेक्शन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, एक बार फिर से चलते हैं तारा मल्होत्रा जी के पास जो लगातार हमें बता रही हैं कि 1 से 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। तारा जी अब बात करेंगे 6 नंबर वालों की, 6 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? जरूर, 6 नंबर वालों के लिए आज लाइफ में काफी सडन चेंजेस हैं, एकदम से चीजें बढ़ने लग जाएंगी, एकदम से देखेंगे कि मूवमेंट हो रहा है, डिलेज खत्म हो रहे हैं, जहां पर रुकावटें आ रही थी या काम नहीं बन पा रहा था, अचानक से चीजें अपने आप ही आपके फेवर में वर्क करने लग जाएंगी। पर आपको साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आसपास के लोगों को साथ लेके चलना है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं या आपका फैमिली बिजनेस है, तो आपको आसपास के लोगों को साथ में लेके चलना है, साथ में जोड़ के चलना है, बिकॉज अगर आप उनको छोड़ देंगे तो आज आप कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि चीजें काफी तेजी से होंगी, तो आपको उसी हिसाब से आसपास के लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। पैसे अगर कहीं दिए हुए हैं तो वापस आने की पूरी संभावना, पैसों में मुनाफा, लैंड अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें भी आज आपको काफी फायदा मिलेगा। और जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ आज आपकी काफी बैलेंस्ड है, हेल्थ में कोई टेंशन नहीं है, लकी कलर आपका ग्रीन है और लकी नंबर है 3। चलिए आगे बढ़ते हुए बात 7 नंबर वालों की कर लेते हैं, 7 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगी तारा जी?
सात नंबर वालों के लिए आज कहीं ना कहीं ये दुराहे में फंसे हुए हैं, काम में या बिजनेस में काम करें या ना करें, आगे बढ़े या ना करें, आज पूरा दिन तोल मोल करते हुए निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आज अगर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है या कुछ कहीं पर निर्णय लेना चाहते हैं तो आज के दिन उसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि आज बहुत ज्यादा चीजें आपके फेवर में नहीं है, आप एक असमंजस में ही है कि हम डिसीजन लें या ना लें। सो आज डिसीजन लेना बहुत शुभ नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर कोई इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी भी है तो इसी हा ना में ही शायद कहीं ना कहीं हो सकता है गाड़ी छूट जाए। तो थोड़ा सा सतर्क रहे, थोड़ा सा केयरफुल रहे, और डिसीजंस लेने में आज थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, बट दिन जैसे जैसे खत्म होगा, शाम की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, चीजें आपकी तरफ रुख करती जाएंगी और आपका साथ देती रहेंगी। कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है दूसरों से, क्योंकि आप अपनी बात को लेके आज थोड़ा सा अड़े हुए हैं। थोड़ा सा बैलेंस रहे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, दूसरों को भी साथ मिला के चले तो आज काफी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आज हेल्थ में भी कुछ ट्रैवलिंग से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ में भी कहीं ना कहीं पे कुछ तनाव दिख रहा है, तो आज का दिन आपका थोड़ा सा चिंता में जाने की पूरी आशंका है। तो आज का दिन उपाय के तौर पे हरी दाल किसी जो जरूरतमंद इंसान को दें, ताकि आपका ये जो उलझने आ रही है आज की थोड़ी सी सॉल्व हो जाए। आज का आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है रेड। तारा जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सुनील राणा जी, उनसे पहले बात कर लेते हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सुनील जी, क्या सवाल आपका? सर मैंने किसी को पैसे दे रखे हैं, पैसे निकल नहीं रहे हैं। जी हाँ जी, जी। पैसे निकालने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी सुनील जी, और शायद जी उनका वही सवाल था और उन्होंने रिपीट किया था। आप बताइए क्या बता रहे थे? मैं ये बोल रही हूँ सुनील जी, जो पैसे आपके हैं निकल नहीं रहे, क्योंकि उस इंसान की आपको देने की नियत नहीं है, और अभी कम से कम 7 से 8 महीने और लगेंगे आपको उनसे पैसे निकलवाने के लिए। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आप अपने घर में जो आपकी साउथ डायरेक्शन है उसमें थोड़ा लाल रंग रखें, उसको थोड़ा सा लाल रंग रख के एक्टिवेट करके रखें, और साथ ही साथ वहां हनुमान जी रख के आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और जो आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पे अगर कोई लकड़ का सामान रखा है तो उसको हटा दें, ताकि जो पैसे आने में दिक्कत हो रही है, लोग पैसे वापस नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। बट अभी ये इंसान कम से कम 7 से 8 महीने और लगाएगा आपको पैसे लौटाने में, थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको इसको लेके करना ही पड़ेगा। चलिए बिल्कुल तारा जी, अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? 8 नंबर वालों के लिए आज काम को लेके काफी टेंशन बनी हुई है, कहीं ना कहीं पे ऐसा हो सकता है कि ये फंस जाए और वहां से निकल ना पाए, तो आज लीगल ट्रैप्स भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंस सकते हैं। तो आज काफी ध्यान रखना है अपने आप में, काम में हो सकता है कि बात ना समझे आपके आसपास वाले, तो उसको लेके काफी चिंता आपको हो सकती है या काफी चिंता आपके दिमाग में रह सकती है, तो अपना थोड़ा संतुलन बनाए रखें। काम में काफी स्ट्रेस है, काफी टेंशन दिख रही है, और जहां तक रिलेशनशिप की बात है, आपके रिलेशंस आपके आसपास आपके काफी सपोर्टिव रहेंगे, तो अगर काम में मुश्किलें आ रही हैं तो आप अपने आसपास के लोगों से मदद मांगिए, हेल्प मांगने का आज दिन है, क्योंकि आज अपने से आप सब काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा सतर्क भी रहना है और साथ साथ आसपास के लोगों से मदद भी मांगनी है। और जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे जो ये तनाव काम को लेके बना हुआ है ये आपको इम्पैक्ट कर सकता है, तो मदद मांगे आसपास के लोगों की और साथ में सबको लेके चले। आज का लकी नंबर है 6 और कलर है रेड। चलिए अब आखिरी नंबर 9 नंबर की बात कर लेते हैं। 9 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप?
नौ नंबर वालों के लिए आज का दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव है, काफी ज्यादा मूवमेंट है आज के दिन में, ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं या किसी काम के सिलसिले में भी बाहर निकलना पड़ सकता है, बट साथ ही साथ आपको सतर्कता बरतनी है, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, अपने आज कॉन्फिडेंस भरपूर है इनके अंदर, आज जो कॉन्फिडेंस है इनका यही इनके सारे काम बनाता जाएगा और इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। जो प्रोफेशनल एडवाइस अगर इनको किसी चीज की जरूरत है तो प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें। हेल्थ और माइंड इमोशंस तीनों ही चीजें आज बैलेंस्ड हैं और तीनों ही चीजें इनके लिए इनके फेवर में है, तो आज सिर्फ आज थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें इनके फेवर में रहेंगी। लकी नंबर है आज का 4 और कलर है ब्लू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। इसी के साथ ही आज किस्मत कनेक्शन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।